हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर या पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जॉब इनलार्जमेंट वर्सेस जॉब इनरिचमेंट। देखो, ये जो दोनों हैं जॉब डिज़ाइनिंग के टेक्निक्स हैं, इवन ये मोटिवेशनल टेक्निक्स भी हैं, तो इनको आज हम डेप्थ के अंदर स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम इसका कंपेरिजन करेंगे। इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी मैंने अपने ब्लॉग पर डाल दिए हैं, और आप अपना ईमेल जो है कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हैं अगर आपको जॉब इनलार्जमेंट और जॉब इनरिचमेंट के जो है रिटर्न नोट चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं जॉब इनलार्जमेंट का अर्थ क्या होता है। देखो, यहाँ पे जॉब इनलार्जमेंट का ये अर्थ होता है कि जो भी हम जॉब कर रहे हैं उसके अंदर जो टास्क हैं, जो उसका बेसिकली है, यहाँ पे हम उसकी रेंज को इनक्रीज़ करें कि जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर जो पहले हम उस काम का कुछ हिस्सा करते हैं, अब हमें जो है उसके काफ़ी हिस्से जो है उसी जॉब के करने पड़ते हैं, तो वो ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड हो जाता है। और यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं बहुत सारी इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं ताकि जो डिवीज़न ऑफ लेबर के अंदर क्या होता है, हम एक ही हिस्से के अंदर स्पेशलाइज्ड होते हैं, बाकी हिस्सों के अंदर हमें कुछ नहीं पता चलता, तो उसी के जो बैड कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो वहाँ पर क्या है कि हम एक ही जॉब के अंदर काफ़ी सारे हिस्से जो है उसको परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पर जो स्कोप है उसी जॉब के अंदर उसका एक्सपेंशन हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लोडिंग ऑफ जो ऑपरेशंस होते हैं उनको हम यहाँ पे बेसिकली जो जॉब इनलार्जमेंट है, यहाँ पे जो एक जैसे ऑपरेशंस होते हैं जो हमने एक लेवल पे करने होते हैं, तो वो भी हम वहाँ पे इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं। और यहाँ पे वो एडिशनल टास्क और ड्यूटीज़ दी जाते हैं जहाँ पे हमें एडिशनल स्किल नहीं चाहिए, सेम जो है स्किल उसी के साथ हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। देखो, जॉब इनलार्जमेंट को हर्ज़बर्ग ने कहा है कि एडिंग ज़ीरो टू ज़ीरो, अगर हम ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करते हैं तो नेचुरली अगर एक सेट ऑफ बोरिंग टास्क है तो उसके अंदर हम दूसरे सेट ऑफ बोरिंग टास्क ऐड कर देते हैं, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो भी जो है ज़ीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई एडिशन नहीं करनी। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल जो स्कोप है वो इंक्रीज़ होता है। जैसे मान लो कोई ऑफिस के अंदर क्या है, कोई क्लर्क काम करता है, उसका जो काम होता है कि वो कंप्यूटर के अंदर जो है चिट्ठियाँ निकालती हैं, तो उसको ये कहा जा सकता है कि आप लेटर की ड्राफ्टिंग करो, और जो इनकमिंग मेल आती है उसकी सॉर्टिंग करो, उसकी फाइलिंग करो, कॉरेस्पॉन्डेंस को हैंडल करो, तो यहाँ पे उसका काम का जो है स्कोप इंक्रीज़ कर दिया जाता है, तो यहाँ पे उसको एडिशनल स्किल भी नहीं रिक्वायर्ड होती, तो यहाँ पे उसकी ये जो जॉब की मोनोटनी है उसको जो है ख़त्म करती है, और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है इंक्रीज़ करती है। अब हम देखते हैं कि जो जॉब इनलार्जमेंट है इसका क्या बेनिफिट है। देखो, जो जॉब इनलार्जमेंट है, नेचुरली इसके अंदर पहले हम एक ही हिस्सा काम करते थे, अब उसके कई हिस्से काम करते हैं तो वैरायटी बढ़ जाती है, और नेचुरली हमारा जो काम करने का साइकिल है, क्योंकि देखो पहले वो चिट्ठियाँ ही टाइप करता था, अब क्या है उसकी ड्राफ्टिंग भी करता है, और जो मेल बाहर से आती है उसकी सॉर्टिंग भी करता है किस डिपार्टमेंट में भेजनी है, उसके बाद उसकी फाइल भी मेनटेन करता है, तो नेचुरली यहाँ पर उसका वर्क साइकिल टाइम जो है इंक्रीज़ हो जाता है। और यहाँ पे क्या है कि नेचुरली वो कुछ हिस्सा नहीं करता, पूरे हिस्से को काम करता है, तो उसको लगता है कि मैं पूरा काम करता हूँ, तो यहाँ पे उसकी नॉलेज भी जो है इंक्रीज़ होती है उस काम को परफॉर्म करने के लिए। अब हम देखते हैं कि जॉब इनरिचमेंट क्या होती है। देखो, जॉब इनलार्जमेंट का मतलब होता है कि हम एक ही जो ऑपरेशन है उसके कई हिस्से जो होते हैं उनको हम करने लग जाते हैं, लेकिन जॉब इनरिचमेंट के अंदर क्या होता है कि जॉब का कंटेंट इंक्रीज़ हो जाता है, और यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है डेलिब्रेटली अपग्रेडिंग होती है। अपग्रेडिंग का मतलब होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से इंक्रीज़ हो जाती है, हमारा स्कोप बढ़ जाता है, और जॉब जो है चैलेंजिंग हो जाती है। जैसे टीचिंग लाइन के अंदर ही मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीच करती हूँ, तो वहाँ पे मुझे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर जो है लगा दिया जाता है, तो नेचुरली ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चैलेंजिंग जॉब है, और उसके अंदर क्या है कि काफ़ी इंट्रैक्टिव जो है, काफ़ी सोशल जो है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी लाइसनिंग करना पड़ेगा, तो नेचुरली वहाँ पर मेरी जॉब का कंटेंट जो है इंक्रीज़ हो गया, पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है और वो जॉब चैलेंजिंग भी हो गई है, तो नेचुरली जॉब इनरिचमेंट जो है एक मोटिवेशनल टेक्निक है जिसके अंदर क्या होता है कि काम को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग बनाया जाता है, और इसके अंदर क्या होता है कि दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स होते हैं उनके फंक्शन जो है ऐड किए जाते हैं, वैरायटी ऐड की जाती है, ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है, और जॉब होल्डर को लगता है कि मेरे को ये काम दिया गया है। उसी तरह क्या होता है कि जैसे
मान लो कोई बंदा जो है, जैसे मान लो वो किसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहा है, तो उसकी उसको जो है दूसरे डिपार्टमेंट का भी इंचार्ज बना दिया जाता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि उसकी जॉब इनरिच कर दी गई है, उसको एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है दे दी गई हैं। तो दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड की गई है, तो वहाँ पर उसको क्या है कि देखो और भी जो है उसको स्किल, एडिशनल स्किल भी जो है रिक्वायर्ड होती है। तो देखो जॉब इनरिचमेंट जब हम करते हैं, तो उसके अंदर जो एम्प्लॉई है उसको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने काम के मेथड जो है किस स्पीड से करना है, किस सीक्वेंस के करना है, वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं। और यहाँ पे देखो जब हम जॉब इनरिचमेंट की बात करते हैं, तो नेचुरली यहाँ पे एडिशनल टास्क जो है जुड़ने चाहिए, और ये एडिशनल टास्क जो है एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाते हैं, और ज़्यादा उसकी पार्टिसिपेशन चाहिए। और इसी तरह एम्प्लॉय को फीडबैक भी मिल सकता है जॉब इनरिचमेंट से कि ऑर्गेनाइजेशन उसके काम से सेटिस्फाइड है। और उसी तरह जब हम जॉब इनरिचमेंट करते हैं, तो नेचुरली उन चीज़ों को हम जॉब को दोबारा से रीअरेंज करते हैं कि जो चीज़ें उसको डिससेटिस्फेक्शन करती हैं उनको हम जो है एलिमिनेट कर देते हैं। और नेचुरली देखो जब हम जॉब इनरिचमेंट करते हैं, तो नेचुरली इसके अंदर जो जॉब्स से पहले काम करते हैं वो भी करते हैं, और नेचुरली जो जॉब के बाद है उसको भी इंक्लूड, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लोडिंग जो होती है वो होती है। अब हम देखते हैं कि जो जॉब इनरिचमेंट है इसके बेनिफिट क्या हैं। देखो जॉब इनरिचमेंट के अंदर क्या है कि ये चैलेंजिंग है और जो है वैरायटी ऐड की जाती है, तो ये काम को ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग बना देती है। और साथ में क्या होता है कि एम्प्लॉई मोटिवेट भी होता है कि मुझे एडिशनल चार्ज दिया गया है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जुड़ जाता है, उसका एब्सेंटिज्म भी कम होता है, एब्सेंट भी कम होता है, छोड़ के भी कम जाता है, और उसको मोटिवेशन भी मिलती है कि मेरे काम की रिकॉग्निशन है। और नेचुरली यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि स्किल भी इंक्रीज़ होती है और जॉब सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज़ होती है। और नेचुरली देखो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं अगर वो सेटिस्फाइड हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी एफिशेंसी इंक्रीज़ होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों वे में जो है बेनिफिट होता है। उसी तरह हम देखते हैं कि जॉब इनरिचमेंट की लिमिटेशंस क्या हैं। देखो कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी जो होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है कि कई बार जॉब के अंदर वर्टिकल लोडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है कि जो स्पेशल मशीनें हैं तो उनको स्पेशल ट्रेन पर्सन ही चाहिए होते हैं। तो नेचुरली वहाँ पे उन जॉब्स के अंदर क्या है कि जॉब इनरिचमेंट की पॉसिबिलिटी कम होती है। और ये कुछ एरियाज़ के अंदर क्या होता है कि ये कई बार बहुत कॉस्टली प्रोसेस भी पड़ता है। और देखो कई बार सीधा संबंध नहीं हम कह सकते कि जब हम जॉब के अंदर चैलेंजेस ऐड कर देते हैं तो उससे सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज़ होता है। और जो वर्कर्स होते हैं कई बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना ही नहीं चाहते, वो सिंपल सा काम करना चाहते हैं, चैलेंजिंग काम नहीं भी करना चाहते। कई बार क्या होता है कि जो पर्सन जिसने परफॉर्म करना है उसके पास ये कैपेबिलिटी भी नहीं होती। अब हम देखते हैं कि जॉब इनलार्जमेंट और जॉब इनरिचमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो जॉब इनलार्जमेंट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम जॉब को, उसकी जो काम है उसको हम उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो टास्क है उसके अंदर हम वैरायटी कर रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे होती है। यहाँ पे क्या होता है कि वर्टिकल लेवल में होती है, और यहाँ पे जॉब का कंटेंट जो है उसके अंदर हम वैरायटी ऐड कर रहे हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि वो जो एम्प्लॉय है उसको इंटरनली मोटिवेशन दे। यहाँ पे देखो सेम नेचर के जो है टास्क जो है ऐड किए जाते हैं, जैसे मान लो कोई स्वीपर है तो अगर वो झाड़ू पोछा लगाता है तो उसको हम कह दें डस्टिंग। उसी तरह जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि क्लेरिकल स्टाफ है तो वो टाइपिंग करता है, तो उसको हम कह देते हैं कि आपने चिट्ठियाँ भी ड्राफ्ट करनी है, फाइलिंग भी करनी है, सॉर्टिंग भी करनी है। तो नेचुरली सेम नेचर के जो टास्क होते हैं उनकी एडिशन होती है। यहाँ पे वर्टिकल लोडिंग होती है, यहाँ पे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, और यहाँ पे भी पर्पस जो होता है बोर्डम को रिड्यूस करना होता है, यहाँ पे उसको ज़्यादा चैलेंजिंग बनाने का होता है, और यहाँ पे उसको एडिशनल स्किल नहीं चाहिए होती है, यहाँ पे उसे एडिशनल स्किल जो होती है रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे देखो क्या होता है कि ऑटोनॉमी इतनी नहीं होती जॉब इनलार्जमेंट के अंदर, लेकिन जॉब इनरिचमेंट के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा फ्रीडम होती है, ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो डायरेक्शन एंड कंट्रोल जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म नहीं होती। लेकिन जॉब इनरिचमेंट के अंदर क्या है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, और वो खुद को जो है ज़्यादा कंट्रोल करता है, किसी और के द्वारा जो होता है कि उतना कंट्रोल और डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट जो है नहीं होती।